Good morning, students. I hope you all are well. Today, I will teach you chapter number 3, the noun. Listen carefully. You know, children, what is noun? Noun is the name of person, place, animal, things. Countable nouns can be in two forms. Countable noun do form mein hote hain. Singular number and plural number. Singular, jo akela ho, ek hi ho. एक से ज्यादा हो तो वो हो जाता है प्लूरल नंबर. अ नाउन वो होता है विच नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग. डू यू नो ना नाउन अ नाउन विच स्टैंड जो किस नाउन विच स्टैंड फॉर वन पर्सन जहां पे एक पर्सन की बात की जा रही है एक प्लेस की एक जगह की बात की जा रही है एक चीज के बारे में बात की जा रही है उसे हम कहते हैं सिंगुलर नंबर. Is said to be in the singular number. A noun which stand for two, जहां पर दो लोगों की या दो से ज्यादा लोगों के person के बारे में, place के बारे में, जगह के बारे में या व्यक्ति के बारे में, फिर चीज के बारे में बात की जा रही है एक से ज्यादा हो तो वो कहता है कहलाता है plural number. क्या कहलाता है? Plural number. Now, countable noun can be two forms. काउंटेबल नाउन दो फॉर्म में होता है सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर नंबर जहां पे एक नंबर एक ही व्यक्ति एक ही जना है एक ही मैंगो है एक ही बॉय है वो है सिंगुलर. एक से ज्यादा है तो हो जाता है प्लूरल. सिंगल मतलब अकेला प्लूरल मतलब एक से ज्यादा. अ नाउन विच स्टैंड फॉर पर्सन प्लेस थिंग इज टू बी इन द सिंगुलर नंबर बॉय कार बिग. अ नाउन विच स्टैंड फॉर टू दो या दो से ज्यादा और मोर पर्सन जहां दो या दो से ज्यादा पर्सन प्लेस की बात के बारे में बात की जाए वो होता है प्लूरल नंबर. जैसे सिंगुलर है बॉय कार बिग और मोस्ट नाउन फॉर्म प्लूरल है बॉयज एक से ज्यादा तो हो गए बॉयज कार्स बेबीज. Most count, most nouns from their plural by adding as to the singular. बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हम सिंगुलर से अगर प्लूरल में चेंज करना है सिर्फ उसमें एस लगाने की जरूरत होती है और वो सिंगुलर से प्लूरल में नंबर में चेंज हो जाता है. जैसे बी बी एयर एयर्स रोज रोजेस ट्री ट्रीज इसमें हमने सिर्फ एस लगाया है. कार कार्स एक कार है तो एक कार एक से ज्यादा है तो कार्स. आई आई लेकिन सब में ये रूल नहीं होता. रूल नंबर टू नाउन एंडिंग एस जो नाउन एस या डबल एस या एक्स या एस एच और सी एच जिसमें आता है लास्ट में जिसमें सी एच एस एच एक्स एस एस या एस आता है फॉर्म देयर प्लूरल इन द एडिंग क्या एड करते हैं लास्ट में ई एस जैसे गैस गैसेस एस ऐसे चर्च चर्चेस फॉक्स फॉक्सेस ब्रश ब्रशेस इसमें सब में ई एस लगता है लास्ट में. जो रूल नंबर टू ये रूल आपको याद करना है जिसमें एंड में एस डबल एस 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 एच या सी एच आता है उसमें एंड में ई एस लगता है. रूल नंबर थ्री इफ द नाउन एंड इन वाई अगर नाउन आपका वाई से खत्म हो रहा है एंड वाई हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है इट इज प्लूरल इज फॉर्म बाय चेंजिंग इनटू वाई एंड आई एस तो किसमें उसमें लास्ट में जो किसमें चेंज होगा या तो उसमें वाई लगेगा या आई एस लगेगा. जैसे आर्मी है ए आर एम वाई आर्मी होता है उसमें आई एस लग गया क्या हो गया आर्मीज. ऐसे ही कॉपी सी ओ पी वेड कॉपी आप लिखेंगे आई एस लग जाएगा कॉपीज क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट आया है इससे पहले इसमें क्या लगेगा आई एस लग जाएगा या वाई से चेंज होगा या आई एस लास्ट में लगेगा जिसमें जो एंडिंग से हो रहा है इफ द नाउन एंड इन वाई एंड वाई हैज अ कॉन्सोनेंट. Y क्या है कॉन्सोनेंट है तो उसमें लास्ट में क्या लगेगा आई एस या Y से वो चेंज होगा. समझ में आ गया आपके. रूल नंबर फोर बट इफ द नाउन एंड इन Y अगर
इफ द नाउन एंड, अगर वो वाई से खत्म होगा एंड वाई हैज अ वॉवल, वाई लेकिन इसके पहले हमारे कोई वॉवल आ रहा है, इट्स प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। इसमें लास्ट में फिर हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर चेंज करते समय एस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें वॉवल यूज हुआ है वाई से पहले, जॉय की मंकी टॉय, इसमें आपको सिर्फ एस लगाना है क्योंकि वाई से पहले इसमें वॉवल यूज हुआ है। ये रूल आपको लर्न करने हैं। रूल नंबर 5, नाउन्स एंडिंग इन एफ, जो नाउन एफ से खत्म हो या एफ ई जिसमें लास्ट में आ रहा है, देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वीईएस, ये वीईएस में चेंज होगा, जैसे काफ सी ए एल एफ वीईएस में जाएगा, इसमें नाइफ नाइस हो जाएगा वीईएस, लीफ लीव एल ई एफ लीफ आया ना लास्ट में एफ, तो इसमें लास्ट में क्या लगेगा एल ई ए वीईएस लीव्स, वाइफ एफ ई आया है तो लास्ट में लगेगा वीईएस। But the following nouns from their plural by simply adding s to the singular. Chief, chiefs, कुछ में खाली s लगेगा. Dwarfs, dwarfs. Safe, safes. Roof, roofs. Rule number 6. Noun ending in o, जो o से end खत्म होता है, if they have a consonant, अगर उसमें consonant आ रहा है, vowel होते a, e, i, o, u. और इसके अलावा जो भी अल्फाबेट्स आपके लिए वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, बिफोर देम जनरली फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर, एंडिंग इन ओ, जो ओ से एंड हो रहा है, इफ दे हैव अ कॉन्सोनेंट, अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट है कोई, अगर जैसे ओ से फिनिश है उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसमें क्या लगेगा ई एस लगेगा, जैसे बफेलो बफेलोज, मैंगो मैंगोज, इसमें क्या है इसी पहले क्या है आपका वॉवल आया है ना, तो इसमें क्या लगेगा आपका ई एस लगेगा, इसमें वॉवल है लास्ट में आपका बफेलो में, तो इसमें क्या लगेगा ई एस, पोटैटो पोटैटोज, हीरो हीरोज, टोमेटो टोमेटोज, मैंगो मैंगोज। नाउ रूल नंबर 7, एंड हो रहा है खत्म हो रहा है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस, उसमें जैसे फूट फीट सॉरी, बट द नाउन एंडिंग इन ओ, जो डबल लास्ट में ओ से खत्म हो रहा है, जैसे बैम्बो बी ए एम बी डबल ओ, उसमें क्या लगेगा लास्ट में एस लग जाएगा, द प्लूरल ऑफ पियानो फोटो पियानो फोटोज हो जाएगा। रूल नंबर 7, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय अ चेंज ऑफ द इनसाइड वॉवल, फूट फीट, मैन मैन, गूज गीज, माउस माइस, टू टी, वुमेन वुमेन, सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय अ चेंज ऑफ द इनसाइड वॉवल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो उनके उसमें कहीं पे कुछ नहीं लगाते, वो उन्हीं के अंदर से शब्द निकालकर उसको चेंज किया जाता है, जैसे फूट का फीट हो जाता है, मैन का मैन हो जाता है, एमएन मैन एमएन मैन, गूज गीज, माउस माइस, टू टी, वुमेन वुमेन, डब्ल्यू एम एन वुमेन वुमेन, डब्ल्यू एम एन। रूल नंबर 8, द फॉलोइंग नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल विद ई एन, जैसे ब्रदर्स चाइल्ड चिल्ड्रन ऑक्स ऑक्सन, नोट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन, सन इन लॉ सन्स इन लॉ, मेड सर्वेंट मेड सर्वेंट्स, पासर बाय पासर्स पासर्स बाय, स्टेप मदर स्टेप मदर्स, वॉशरमैन वॉशरमैन, कॉमन कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ। सम नाउन हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर और प्लूरल, लाइक डियर डियर, इसमें कोई चेंज नहीं होता, फिश फिश, सिंगुलर में भी डियर डियर ही होगा और प्लूरल में भी सेम रहेगा, डजन डजन में भी सिंगुलर और प्लूरल सेम रहेगा, शिप दोनों में सिंगुलर प्लूरल सेम रहेगा। सम नाउन आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, कुछ नाउन जो है सिंगुलर में भी सिर्फ सिंगुलर ही रहेंगे, जैसे फर्नीचर या सीनरी। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन देयर प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन उनके प्लूरल फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं, जैसे ट्राउजर्स स्पेक्स गुड्स असिस्ट फिजिक्स मैथमेटिक्स सीजर्स एनेंस मिजर्स पॉलिटिक्स। ओके
exercise in your book and notebook and learn all the rule of this now. Thank you so much.